दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका। मैं आपका दोस्त राकेश। दोस्तों आज जो मैं आपको घर दिखाने लगा हूँ ये ठीक हमारे सामने है। ये 200 स्क्वायर यार्ड का कंप्लीट डबल स्टोरी घर है और ये न्यू सन इनक्लेव सेक्टर 125 मोहाली में लोकेटेड है और ये जलवायु टावर से पहले है। चंडीगढ़ रोड से इसकी दूरी महज 500-700 मीटर की ही है, ज़्यादा अंदर नहीं है घर। और घर के सामने की रोड भी आप देख सकते हैं, बाकी रोड से ये वाइड है, थोड़ी बड़ी रोड रहेगी। और ये ठीक हमारे सामने सन इनक्लेव की 100 फीट वाइड रोड हमें नज़र आ रही है। इस रोड से ये घर चंद ही कदमों की दूरी पर है, एकदम प्राइम सी लोकेशन है, बढ़िया सी लोकेशन है। और एलिवेशन भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल मॉडर्न एलिवेशन है, बड़े ही अच्छे डिज़ाइन में टाइल वर्क इसमें मिलेगा आपको। और घर के बाहर आपको बड़ी अच्छी पार्किंग की स्पेस मिल जाती है, यहाँ पे आपकी एक कार पार्क हो सकती है, बड़ी कार भी पार्क हो सकती है। काफ़ी बड़ा सा गेट रखा गया है, इससे घर के अंदर दो कारें बड़ी आसानी से अलग अलग जगह पे पार्क हो सकती हैं। तो दोस्तों जैसे ही हम घर के अंदर आते हैं सबसे पहले हमें काफ़ी बड़ी सी पार्किंग स्पेस मिल जाती है, जो कि लगभग 14x18 की पार्किंग है। आप यहाँ पे अपनी बड़ी सी कार भी पार्क कर सकते हैं बड़ी आसानी से। और घर की एलिवेशन को थोड़ा और नज़दीक से देखते हैं, आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत डिज़ाइन इसमें बनाया गया है एलिवेशन में। और एल शेप में पार्किंग है, दूसरी तरफ की ये जो पार्किंग है ये भी लगभग 10x15 की पार्किंग है, एक कार आपकी यहाँ पे भी बड़ी आसानी से पार्क हो सकती है। विंडो साइज काफ़ी बड़ा रखा गया है आप देख सकते हैं, एलईडी लाइट्स भी लगाई गई हैं। और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत पैटर्न है, कितना खूबसूरत कॉम्बिनेशन है टाइल्स का। और आप देख सकते हैं घर के आसपास का एरिया भी फुली डेवलप्ड है, लोग बिना किसी दिक्कत परेशानी के बड़े आराम से रह रहे हैं। और दोस्तों यहाँ पे आपको वाटर स्टोरेज मिल जाती है, काफ़ी बड़ी सी वाटर स्टोरेज है, 2500-3000 लीटर आपका पानी यहाँ पे स्टोर हो सकता है, जिससे आपको घर के अंदर पानी की कमी नहीं मिलेगी। और पार्किंग एरिया में आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत सा डिज़ाइन बनाया गया है वुडन वर्क के साथ। ये डिज़ाइन आपको कंप्लीट करके दिया जाएगा, अभी ये इनकम्प्लीट है। और ये है घर की मेन एंट्रेंस, और जो मेन एंट्रेंस डोर है आप देख सकते हैं इसकी एंट्रेंस को वुडन टाइल्स के पैटर्न में प्रोजेक्शन के साथ बनाया गया है। और ये घर का मेन एंट्री डोर रहेगा, जिसमें बड़ी अच्छी सी पॉलिशिंग की गई है, काफ़ी अच्छी वुड यूज़ की गई है, काफ़ी हैवी डोर है, 8 फीट का डोर है। और आप देख सकते हैं जो चौगाट्स हैं यहाँ पे, वुडन चौगाट्स हैं, 9 इंच की चौगाट्स हैं। तो बढ़ते हैं घर के अंदर, जैसे ही घर के अंदर आते हैं एक बड़े ही स्पेशियस घर की फीलिंग आती है, काफ़ी बड़ा सा घर है आप देखेंगे, इसमें हर रूम जो है जो स्पेशियस है। और सबसे पहले ड्राइंग रूम की ओर बढ़ते हैं, और ड्राइंग डाइनिंग के हॉल में पार्टीशन किया गया है, दोनों को अलग अलग किया गया है, वुडन पार्टीशन है, ग्लास वर्क के साथ है, काफ़ी खूबसूरत डिज़ाइन इसमें यूज़ किया गया है। और ये रहेगा ग्राउंड फ्लोर का ड्राइंग रूम, जो कि लगभग 13x15 के साइज़ का है, और जो वॉलपेपर इस्तेमाल किया गया है दीवार पे उसी वॉलपेपर से डिज़ाइन बनाया गया है छत पे भी फॉल सीलिंग के साथ। और काफ़ी बड़े से साइज़ का आपको यहाँ पे ड्राइंग रूम मिल जाता है। और विंडो साइज़ काफ़ी बड़ा रखा गया है, काफ़ी अच्छा विंडो साइज इसमें इस्तेमाल किया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों घर के अंदर, घर का बाकी एरिया भी देख लेते हैं। ये दोस्तों डाइनिंग एरिया या लिविंग एरिया, आप किसी भी तरह से इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका जो साइज़ है ये लगभग 14x21 फुट का रहेगा, और फॉल सीलिंग का डिज़ाइन पूरे घर में मिलेगा। ठीक इसके सामने किचन है,
और किचन और डाइनिंग एरिया का जो बीच का पार्टीशन है उसमें आप देख सकते हैं कितने खूबसूरत डिज़ाइन में वुडन पैनलिंग की गई है। पॉलिशिंग के साथ इसकी खूबसूरती और बढ़ रही है और काफ़ी स्पेशियस किचन है, बड़ी सी किचन है, लगभग 8x12 फुट की ये किचन रहेगी, 8 फुट बाय 12 फिट की। और घर के हर हिस्से को हम अच्छे से देखेंगे। ये आपको मैं किचन का जो वुडवर्क है ये भी बड़े अच्छे से दिखाऊंगा। काफ़ी बड़ा सा किचन का साइज़ है और ठीक यहाँ पे आपको क्रॉकरी पैनल मिल जाता है। काफ़ी अच्छी स्टोरेज दी गई है किचन में भी, आप देख सकते हैं इसमें आपको बॉक्सेस की और स्टोरेज की कहीं कमी नहीं मिलेगी। इसके अलावा चिमनी के लिए भी काफ़ी अच्छी स्पेस रखी गई है। तो अभी मैं इन बॉक्सेस को बंद कर देता हूँ और इसी तरह आपको स्टोरेज यहाँ पे भी मिल जाएगी, वुडन बॉक्सेस आपको यहाँ पे भी मिलेंगे और स्टोरेज की कोई कमी नहीं है जैसे मैंने आपको पहले कहा था। तो चलिए दोस्तों इनको भी मैं बंद कर देता हूँ। और टाइल्स के साथ इनका जो कलर कॉम्बिनेशन है बिल्कुल मैच कर रहा है और जो किचन का नीचे का एरिया है उसका जो वुडवर्क है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। कंप्लीट मॉड्यूलर किचन है, सभी रैक्स इसमें आपको मिलेंगे मॉड्यूलर किचन वाले। और ग्रेनाइट बिल्कुल ब्लैक कलर का ग्रेनाइट लगाया गया है, डबल सिंक वॉल रहेगा, आरओ का प्रोविजन, चिमनी का प्रोविजन, गीजर का प्रोविजन किचन में आपको ये पहले से ही मिलेगा। और चलिए दोस्तों बेडरूम्स की ओर बढ़ते हैं। ये बेडरूम्स की जो है मेन एंट्रेंस रहेगी, इसका जो डोर्स हैं वो भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी पॉलिशिंग के साथ है। और दोस्तों ये पहला बेडरूम है जो कि लगभग 14.5x15 फिट के साइज़ में है, इसमें भी आपको फॉल सीलिंग का कंप्लीट डिज़ाइन मिलेगा। और वॉलपेपर भी बड़े खूबसूरत डिज़ाइन का इस्तेमाल किया गया है। आइए मैं इसको नज़दीक से दिखाता हूँ। और ठीक सामने टीवी पैनल रहेगा और कंप्लीट वुडवर्क रहेगा। दोस्तों आप देख सकते हैं फुल साइज कपबोर्ड है और स्लाइडिंग डोर्स के साथ है। स्टोरेज आपको काफी अच्छी स्टोरेज मिल जाएगी इन कपबोर्ड्स पे। और फुल साइज कपबोर्ड रहेगा दोस्तों। और दोस्तों बाथरूम भी अटैच रहेगा और बाथरूम का भी काफ़ी बड़ा साइज़ है, 7 फुट बाय 8 फुट का साइज़ है इसमें। और पूरे घर में सैनिटरी की जो फिटिंग है वो ब्रांडेड रहेगी दोस्तों और सैनिटरी की फिटिंग लगा के दी जाएगी। बाथरूम जो रहेंगे वो फुली फंक्शनल रहेंगे, पूरी तरह से तैयार करके दिए जाएंगे आपको। और इस रूम में जो विंडो है आप देख सकते हैं उसका भी काफ़ी बड़ा सा साइज रखा गया है। और कबोर्ड के साथ ही अटैच रहेगा ड्रेसिंग टेबल इस कमरे में। बढ़ते हैं दोस्तों दूसरे बेडरूम की ओर और इस बेडरूम के डोर को भी आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी सी पॉलिश की गई है, काफ़ी अच्छी चमक है
और दोस्तों ये जो बेडरूम है, दूसरा बेडरूम, ये भी 14.5 फुट बाई 15 फुट के साइज़ में रहेगा। और इसमें भी आप देख सकते हैं जो वॉलपेपर दीवार पे इस्तेमाल किया गया है उसी वॉलपेपर के साथ मैचिंग करके डिज़ाइन बनाया गया है फॉल सीलिंग में भी। वॉलपेपर को आइए मैं करीब से दिखाता हूँ। और LCD पैनल ठीक इसके सामने रहेगा। और इस बेडरूम के साथ भी आप देख सकते हैं जो कबर्ड दिए जा रहे हैं आपको, फुल साइज कबर्ड रहेंगे दोस्तों। काफी अच्छी सी स्टोरेज मिलेगी आपको इन कबर्ड्स में। और इन कबर्ड्स को मैं ओपन करके आपको ठीक से दिखाता हूँ, अच्छे से दिखाता हूँ। फुल साइज कबर्ड रहेगा दोस्तों ये वाला भी। और ड्रेसिंग टेबल को कबर्ड के साथ अटैच करके बनाया गया है। टीवी पैनल में भी आपको अच्छी खासी स्टोरेज स्पेस मिल जाती है। और दोस्तों इस बेडरूम के साथ भी आपको बाथरूम अटैच मिलेगा जिसका साइज 7 फुट बाय 8 फुट का रहेगा। और सैनिटरी की कंप्लीट ब्रांडेड फिटिंग आपको एट द टाइम ऑफ पोजेशन मिल जाएगी जिसका डिजाइन आप चूज भी कर सकते हैं। विंडोज भी काफी अच्छे साइज की रखी गई है। और बैक यार्ड जो है ये भी काफ़ी स्पेशियस है, 7 फीट बाय 10 फीट का आपको बैक यार्ड मिल जाता है, वॉशिंग एरिया मिल जाता है। और वेंटिलेशन के लिए भी काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है। आप चाहे तो दूसरे बेडरूम की जो विंडोज़ है उनको मॉडिफिकेशन करके एक एंट्रेंस आप वहाँ से भी बना सकते हैं बैकयार्ड में आने के लिए। तो दोस्तों जैसा हमने अभी तक देखा, ये इस घर का ग्राउंड फ्लोर का एरिया है जिसको हमने काफ़ी अच्छे से देखा है। कटनी मार्बल आपको पूरे घर में मिलेगा ग्राउंड फ्लोर पे। और स्टेयर्स पे आप देख सकते हैं ग्रेनाइट लगा हुआ है। और पहली मंजिल का जो बालकनी वाला एरिया है उसकी जो छत है उसमें भी आपको डिजाइनर वर्क मिलेगा। और बालकनी भी आप देख सकते हैं पूरी घर के साइज की, पूरी वॉक थ्रू बालकनी है। अब इस घर के आसपास का एरिया आपको काफी अच्छे से दिख रहा है। और फर्स्ट फ्लोर पे भी आप देख सकते हैं जो टाइल वर्क है वो आपको प्रॉपर मिलेगा। इसके अलावा जो ड्राइंग रूम का एरिया है उसके लिए विंडो साइज काफी अच्छा खासा रखा गया है। इन बड़ी विंडोज से घर के अंदर सनलाइट काफी अच्छे से आती है। और दोस्तों ये है फर्स्ट फ्लोर की मेन एंट्री। फर्स्ट फ्लोर का भी जो मेन डोर है आप देख सकते हैं काफी अच्छी पॉलिश की गई है, काफी अच्छी वुड यूज की गई है, हैवी डोर है। और एंटर करते ही हमारे सामने फर्स्ट फ्लोर का डाइनिंग एरिया नजर आता है जिसका साइज लगभग 14 फुट बाय 16.5 फिट का है। इसके साथ ही हमें फर्स्ट फ्लोर पर ड्राइंग रूम का भी फुल साइज मिल जाता है जिसका जो साइज़ है अप्रॉक्सीमेटली 13 फिट बाय 15 फिट का है।
इसमें भी आप देख सकते हैं जो वॉलपेपर का डिज़ाइन वॉल पे यूज़ किया गया है उसी वॉलपेपर के साथ डिज़ाइन बनाया गया है छत की छत पे भी फॉल सीलिंग के साथ मैच करके। दोस्तों जैसा मैंने वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में कहा था कि ये कंप्लीट डबल स्टोरी घर है, आप देख सकते हैं ये फुल डबल स्टोरी कंप्लीट डबल स्टोरी घर है 200 स्क्वायर यार्ड का। और फर्स्ट फ्लोर की जो किचन है ये भी मॉडुलर किचन है। इस किचन का भी जो साइज़ है फुल साइज़ है, 8 फीट बाय 12 फीट की किचन रहेगी जिसमें आपको कंप्लीट वुडवर्क मिलेगा। आइए यहाँ का भी मैं आपको वुडवर्क दिखा देता हूँ अच्छे से। ये थे किचन में ऊपर वाले बॉक्सेस, अभी हम नीचे वाले जो वुडवर्क के रैक्स हैं वो भी देखेंगे। कंप्लीट मॉडर्न किचन है। स्टोरेज की कोई कमी नहीं मिलेगी आपको और हर प्रोविजन का ध्यान रखा गया है, पूरी प्रोविजन दी जाएगी आपको। ग्रेनाइट टॉप रहेगा और डबल सिंक बाउल है, इसमें आपको चिमनी का प्रोविज़न, गीज़र का प्रोविज़न और गैस पाइप ये आपको पहले से ही प्रोविज़न किया हुआ मिल जाएगा इन सभी चीज़ों का। फुल साइज किचन रहेगी फर्स्ट फ्लोर की भी। और दोस्तों ये है बेडरूम्स की मेन एंट्रेंस, इनके भी आप देख सकते हैं डोर्स में काफ़ी अच्छी पॉलिशिंग की गई है। और फर्स्ट फ्लोर का जो बेडरूम है इसका भी साइज़ 14.5 फुट बाय 15 फिट का रहेगा। सभी रूम्स की एक एक वॉल पे आपको वॉलपेपर का डिज़ाइन मिलेगा और फॉल सीलिंग भी आपको पूरे घर में मिलेगी विद एलईडी लाइट्स। और एलईडी पैनल विद स्टोरेज स्पेस और फुल साइज कबर्ड्स आपको फर्स्ट फ्लोर पे भी मिल जाएंगे इस बेडरूम में। इन कबर्ड्स को भी मैं आपको ओपन करके अच्छे से दिखाता हूँ। और स्टोरेज काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। और ड्रेसिंग टेबल आपको भी इस बेडरूम में भी कबर्ड से अटैच किया हुआ ही मिलेगा। विंडो साइज देख सकते हैं, इसको भी काफी बड़ा रखा गया है। और इस बेडरूम के साथ भी बाथरूम अटैच रहेगा। इसका इस बाथरूम का जो साइज है वो 7 फीट बाय 8 फीट का है।
कंप्लीट वर्क मिलेगा दोस्तों आपको। बेस्ट कंस्ट्रक्शन क्वालिटी इस्तेमाल की गई है। बढ़ते हैं दोस्तों फोर्थ बेडरूम के लिए। दोस्तों ये जो बेडरूम आप देख रहे हैं, इस बेडरूम का भी साइज 14.5 फीट बाय 15 फीट का रहेगा। और इस बेडरूम में भी आप देख सकते हैं वॉलपेपर मिलेगा आपको। एलईडी पैनल भी ठीक सामने रहेगा। और इस तरफ रहेंगे इस बेडरूम के कबर्ड्स, और सामने रहेगा बाथरूम। माफ कीजिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ी सी लाइट कम है। मैं अपने दूसरे मोबाइल से टॉर्च जला के आपको अच्छे से दिखाने की कोशिश करूंगा। कबर्ड्स ये वाले भी फुल साइज कबर्ड हैं, इसमें स्लाइडिंग डोर्स लगाए गए हैं। शायद अब आपको थोड़ा सा पहले से बेहतर नज़र आ रहा हो इस एरिया में, क्योंकि इस एरिया में अभी लाइट नहीं लगाई गई, तो थोड़ा सा अंधेरा था। मैंने अपने दूसरे मोबाइल की टॉर्च से रोशनी करने की कोशिश की है। और ये जो बाथरूम है, ये 5 फीट बाय 8 फीट के साइज़ में है। इस बाथरूम का भी साइज़ काफ़ी अच्छा रखा गया है। तो ये जो घर आपने देखा है, ये कंप्लीट डबल स्टोरी घर है, जिसके अंदर 4 बेडरूम और 4 बाथरूम्स हैं। इस बाथरूम की भी वेंटिलेशन का ध्यान अच्छे से रखा गया है, आप देख सकते हैं। इसके लिए भी वेंटिलेशन की स्पेस दी गई है। और फर्स्ट फ्लोर की जो फ्लोरिंग है, उसमें जो टाइल्स यूज़ की गई हैं, वो हमें इटालियन मार्बल की लुक देती है। और ये रहेगा पहली मंजिल का वॉशिंग एरिया। यहीं से स्टेयर्स दी गई हैं, सीढ़ियाँ बनाई गई हैं बिल्कुल छत पे जाने के लिए। और वॉशिंग एरिया भी आप देख सकते हैं, इसमें भी काफ़ी अच्छी स्पेस दी गई है। चलते हैं दोस्तों छत पे। आसपास का आपको व्यू बड़े अच्छे से नजर आ जाएगा। और छत पे दी गई है वाटर स्टोरेज घर के लिए। प्रोविज़न भी दिया गया है, अगर आप वाटर स्टोरेज बढ़ाना चाहते हैं तो एक वाटर टैंक और भी रखा जा सकता है यहाँ पे। और ठीक हमारे सामने जलवायु टावर हमें दिख रहे हैं। ये घर उनसे पहले है, न्यू सनिंग के लिए में लोकेटेड है। काफ़ी बड़ा सा टेरेस एरिया आपको मिल जाता है इस घर में, और आप एक और फ्लोर भी बना सकते हैं। और ये ठीक हमारे सामने सनी ग्लेव की मेन 100 फीट कनेक्टिविटी रोड नज़र आ रही है, जो कि इस घर से चंद ही कदमों की दूरी पर है। तो दोस्तों ये आज हमने देखा कंप्लीट डबल स्टोरी हाउस 200 स्क्वायर यार्ड्स का। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस घर के बारे में ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमें कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए शुक्रिया, बाय। जल्दी मिलेंगे एक और घर के साथ, नई वीडियो के साथ। बाय दोस्तों।